गाइस आज है हाथ में वन प्लस नॉट टू। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? और आज इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई इसका रिव्यू करने जा रहे हैं हम। फाइनली इसको यूज़ करते हुए करीब मेरे को हो गए हैं 10 दिन, और 10 दिन में बताएंगे भाई कि क्या ये फ़ोन तगड़ा है या नहीं है, और आज सारा का सारा खुलासा हो जाएगा। सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या मुझे अच्छी लगी, क्या क्या चीज़ें मुझे बुरी लगी, और फोन ओवरऑल कैसा है। इसके अंदर मैंने अपनी सिम डाल के रखी थी, मैंने इसके अंदर भाई कॉल्स वॉल्स भी लिए हैं, भाई व्हाट्सएप मस्त चलाया, तो मेरे को पता है कि भाई ये फोन किस तरीके से परफॉर्म करता है। तो फटाफट से चेक करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी से। तो बिल्ड क्वालिटी की यहाँ पे भाई देखो, इन हैंड फील जो है फोन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड मैं इसी का भाई एक कह लो भाई यूज़ करता हूँ जो है OnePlus 8। ये पूरा भाई लाइक एल्युमिनियम और ग्लास की बिल्ड का, तो काफी ज्यादा तगड़ी देता है। और जब OnePlus Nord 2 में उठाता हूं हाथ में, तो ये भी कहीं ना कहीं वैसी फील देता है, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉर्निंग ग्लास 5 मिलता है आगे और पीछे दोनों साइड में। एंड साइड साथ इसका जो फ्रेम है वो प्लास्टिक का है, तो वो ठंडी ठंडी वाली फील नहीं देगा। लेकिन हाँ ठीक है, मतलब आप लोग जब हाथ में उठाओगे तो एक कंफर्टेबल फील, एक अच्छा एर्गोनॉमिक्स वाला फोन है मैं कह सकता हूं है। क्योंकि तो डिस्प्ले साइज काफी ज्यादा बढ़िया 6.48 इंच का, जिस वजह से आप लोग लाइक नॉर्मली इस फोन को आराम से यूज कर सकते हो। आपका यूजेज जो है काफी ज्यादा बढ़िया हो जाता है इस फोन के अंदर। इसके अंदर जो प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आता है भाई, उसके अंदर काफी ज्यादा स्क्रैचेस लग जाते हैं नॉर्मल यूजेज के अंदर। तो भाई आप लोग एक अच्छा वाला स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑनलाइन ले लेना इसके ऊपर लगाने के लिए, अगर ये फोन ले रहे हो। देन बात आती है भाई इसकी जो लाइक क्वालिटी है फ्रेम की, वो कैसी है। तो भाई ये फोन मेरे को जब रिसीव हुआ था इसके अंदर थोड़े बहुत डेंट्स मिले थे, बट उसके बाद मैं इसको अभी तक कवर में यूज कर रहा हूं, और अभी तक कोई ऐसे ज्यादा मेरे को कुछ स्क्रैचेस दिखे नहीं। और पीछे की साइड में भी ना पूरी मैट फिनिश है, तो उस वजह से फिंगरप्रिंट्स भी नहीं आते, और काफी ज्यादा सही लगता है। एंड साथ ये कलर जो है ब्लू हेज कलर है, मिल्की व्हाइट और लाइक ब्लू का मिक्सचर सा है, कभी कभी व्हाइट लगता है, कभी कभी ब्लू लगता है, तो दिखने में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और लाइक OnePlus 9R की याद दिलाता है क्योंकि उसका छोटा भाई है। एंड साइज भाई इधर आपको अलर्ट स्लाइडर पे दिया है इस फोन के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है भाई आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों को जल्दी से स्विच करना है बिटवीन लाइक वाइब्रेट साइलेंट और नॉर्मल मोड में, तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। तो यहाँ पे हमारे को एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90Hz की है। अब यहाँ पे भाई इस प्राइस रेंज के अंदर जो कि ये फोन आ रहा है 30,000 वाला लोग कहेंगे भाई 28 वाला भी नहीं भाई, वो बस दिखाया है नहीं हो। तो जो 30,000 वाला वेरिएंट है, इसके अंदर जो डिस्प्ले दी गई है प्राइस के अकॉर्डिंगली मुझे लगा था कि 120 होनी चाहिए, क्योंकि जो अदर ब्रांड्स हैं वो दे रही हैं, और मेरे को लगा था हो सकता था ये कर सकते थे, क्योंकि OnePlus Nord जो आया था पहला वाला उसमें भी 90 थी, इसमें भी 90, तो मतलब कुछ अपग्रेड नहीं हुआ है ना। अगर 120 होता तो कुछ अपग्रेड होता, बट मेरे को ऐसा लगता है कि OnePlus ने ये सोचा कि भाई जो इनका 9R आता है 9 सीरीज के अंदर, उसमें 120 हर्ट्ज है, तो ये Nord और 9 सीरीज को थोड़ा अलग करना चाहते होंगे शायद डिफरेंशिएट, इसलिए इसमें 90 ही रखी। इसी तरह को 500 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस देखने को मिलती है, और पीक ब्राइटनेस 1300 निट्स की है, तो भाई ये भी सही है। और आप जब HDR कुछ वॉच करोगे तो काफी ज्यादा ब्राइट हो जाएगी ये डिस्प्ले, एंड नॉर्मल डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जब आप देखते हो इस फोन को लाइक डिस्प्ले विजिबल है नॉर्मली, अच्छा है। बाकी बेजल और जो चेन साइज है वो भी ठीक है, थोड़ा सा चेंज हो सकता था बट कोई नहीं। तो डिस्प्ले यार ओवरऑल काफी ज्यादा अच्छी है, आप कंटेंट वॉच करो कुछ भी करो आपको मजा ही आएगा इस डिस्प्ले से। तो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफी ज्यादा फास्ट है, जो फेस अनलॉक है वो तो भाई और ही ज्यादा ऐसे बिल्कुल ही लॉक स्क्रीन भी देखने को नहीं मिलते हमारे को। तो बायोमेट्रिक्स आपसे काफी ज्यादा लाइक अब तो स्टेबल हो गया भाई सब कुछ मामला फिंगरप्रिंट के मामले में। सेकंड अब आते हैं भाई परफॉर्मेंस के ऊपर, जो कि मेन पार्ट होता है। तो यहां पे Dimensity 1200 5G प्रोसेसर लगाया गया है इस फोन के अंदर। ओ भाई MediaTek वाला प्रोसेसर पहली बार OnePlus ने यूज करा है, हमेशा Snapdragon यूज करते आए हैं, बट ये इनका एक कह लो बजट फोन है उनके हिसाब से, तो उसमें लगाया है Dimensity 1200। सो बेसिकली यार इसके अंदर 6 5G बैंड्स में हमारे को देखने को मिलते हैं, तो मतलब आपका लाइक 5G वाला जो फ्यूचर है वो कवर्ड है मस्त। परफॉर्मेंस की अगर बात करूँ, रॉ परफॉर्मेंस है ना, अगर BGMI खेलते हैं लाइक गेमिंग अगर हम उसमें थोड़ी डालें, तो BGMI के अंदर इसके अंदर कंसिस्टेंट हमारे को फ्रेम रेट्स मिलते हैं, और लाइक स्मूथ एक्सट्रीम के अंदर जब आप लोग खेलोगे तो आपको 60 FPS 59 FPS के ऊपर रहता है फोन पूरे टाइम, तो ये काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है। देन बात आती है जब यहाँ पे डे टू डे ऐप ओपनिंग की नॉर्मल ऐप यूजेज के अंदर, तो भाई फोन काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, अपनी जो इसकी इनबिल्ड ऐप है वो बहुत जल्दी खोल लेता है। एंड जो मैंने एक चीज़ और नोटिस की, जो इसकी रैम मैनेजमेंट है उसके अंदर भी जो लाइक एप्लीकेशन है वो रहती हैं, लेकिन जो भी बड़ी एप्लीकेशन होती है वो रीलोड कर देता है। लाइक मेरे को ये लगा कि जो Dimensity 1200 प्रोसेसर है और जो 90Hz की डिस्प्ले, दोनों का जो मिक्सचर है ना वो काफ़ी ज़्यादा सही परफॉर्म कर रहा है इस फोन के अंदर। एंड लाइक ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो मेरे को कोई भी भाई ऐसा लगा नहीं फोन की हल्का फुल्का लैग कर रहा, हल्का फुल्का स्टटर कर रहा हो, मेरे को तो कोई भी ऐसी जिटनेस वाली प्रॉब्लम नहीं हुई। तो परफॉर्मेंस के वाइज से फोन काफ़ी ज़्यादा सही है। अब बात कर लेते हैं पीछे दिए गए ये 3 अनमोल रत्न की, जो कि इसके कैमरास के मामले में भाई ये फोन मैं कह सकता हूँ भाई, अभी मैं एक चीज़ बताता हूँ, OnePlus ने ऑक्सीजन OS का जो NN का उसको कलर के साथ मर्ज कर दिया, सोर्स कोड मिला दिया। अब क्या है, जो कलर OS वाला जो कैमरा एप्लीकेशन था वो OnePlus वाले फोन्स के अंदर आने लग गया, बिल्कुल सेम वही वाला UI, वही सेम ऑप्टिमाइजेशन के साथ। अब यहाँ पे भाई OnePlus का ना कैमरा हमेशा से कुछ ना कुछ दिक्कत में रहता ही है, मतलब थोड़ा बहुत इनका हाथ ढीला रहा कैमरा के अंदर, और कलर OS के साथ आने के बाद मुझे लगा था कुछ थोड़ी चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी, बट मैंने कहीं कहीं इंप्रूवमेंट देखी और कहीं कहीं ऐसा लगा कि यार अभी भी थोड़ी इसमें कमजोरी है। तो यहाँ पे कैमरा की अगर बात करूँ तो मेन कैमरा है 50MP का है, सोनी IMX766 वाला सेंसर इसमें पड़ा हुआ है, और भाई जो क्वालिटी है कैमरे की वो आपको बहुत अच्छी मिलती है।
लाइक डायनेमिक रेंज काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैप्चर कर लेता है, फोटोज़ के अंदर अच्छे से मेंटेन कर लेता है। बट जब आप लोग भाई इस फ़ोन के साथ स्किन टोन्स लेते हो, स्किन टोन्स लाइक आप किसी ह्यूमन सब्जेक्ट की फ़ोटो खींचते हो, तो उसमें थोड़ा सा डगमगा जाता है, थोड़ी सी इसकी हार्ट ढीला हो जाता है, कभी बार ये ब्राइटनेस ज़्यादा कर देता है चेहरे को बिल्कुल ही, या फिर कभी बार बहुत ज़्यादा डल कर देता है, तो वो मुझे बहुत अजीब लगा। तो यहाँ पर नाइट के अंदर काफ़ी ज़्यादा सही तीन एक्सपोजर वाली फोटो खींचता है, अगर आप लोग ट्राइपॉड लगा करोगे तो काफ़ी अच्छी फोटो उधर आ जाती है। बट ओवरऑल जो नॉर्मल एक आप फोटोज़ खींचोगे उससे मेरे को सही लगा, बट कुछ ज़्यादा अमेजिंग भी नहीं है। नॉर्मल अगर बात करें अल्ट्रा वाइड की, तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया है, तो डिटेल की बात करो तो डिटेल नॉर्मल है, और अगर आप लोग डायरेक्ट सनलाइट या बाहर डेलाइट के अंदर खींचते हो तो सही डिटेल्स आती है। बट इंडोर के अंदर भाई इसका हाथ फिर ढीला हो जाता है, ज़्यादा नॉइस कैप्चर करता है, और जितनी ज़्यादा क्वालिटी आप कह लो वाली है नहीं तगड़ी सी, है ना, 30,000 वाले फोन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ। देन यहाँ पे भाई 2 मेगापिक्सल का डेप्थ या मोनोक्रोम वाला कैमरा, क्या ही है क्यों है वो तो पता ही नहीं, उसको छोड़ ही दो। बट यहाँ पे बात करें अगर वीडियो की, तो वीडियो क्वालिटी के सैंपल देख लो, आप लोग खुद जज कर लो कि कैसी वीडियो क्वालिटी आ रही है। सो गाइस वीडियो की अगर परफॉर्मेंस की बात करें, तो भाई वीडियो अगर आप लोग मस्त रहते स्टूडियो लाइट के अंदर हो तगड़ी, तो बढ़िया वीडियो कैप्चर कर लेता है। अभी एक मैं नॉर्मल वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ ऐसे मस्त, तो यहाँ पे सही लाइक पूरी कैप्चर कर रहा है अच्छी खासी, एंड भाई मेरे को तो सही लग रही है, लाइक इंडोर के अंदर वीडियो क्वालिटी सही है, अगर लाइट आपको काफी ज्यादा सही मिल रही है। तो हमने यार वीडियो क्वालिटी देख ही ली, लेकिन एक चीज़ और है इस फोन के अंदर कि जो लाइक वीडियो की सेटिंग्स है, क्वालिटी सेटिंग्स है, वो ज्यादा नहीं मिलती। लाइक हमारे 4K के अंदर 30 FPS तक का ही सपोर्ट मिलता है इस फोन के अंदर, 1080p के अंदर 2 ऑप्शन है, 30 और 60, और 720p के अंदर भी 2 ही ऑप्शन है, मतलब कुछ ऐसे खास इन्होंने दिया नहीं है वीडियो सेटिंग के अंदर, ऐसा लग रहा है कि वीडियो वालों के लिए नहीं दिया है फोन, तो भाई वीडियो वाले हैं हमारे को तो ढंग का देते कुछ ऑप्शन। देन आते भाई 32 मेगापिक्सल फ्रंट सेल्फी कैमरा की, इसकी तो मैं कितनी तारीफ करूँ उतनी कम रहेगी, क्योंकि ये कैमरा बस कैमरा ही है और कुछ नहीं है। कुछ सिनेरियोस के अंदर यार जो डायनेमिक रेंज है ना वो थोड़ी सी इसकी डगमगा जाती है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि अपडेट के थ्रू वो सब चीजें फिक्स हो सकती है, तो भाई वन प्लस से यही उम्मीद है कि भाई इसको अपडेट देके कर ले, क्योंकि भाई मैंने ओप्पो के कैमरास देखे, ओप्पो के कैमरास काफी ज्यादा बढ़िया होते हैं फोन के अंदर, लाइक सही एकदम चमका देते हैं आपको पाउडर वाउडर लगा के। तो बेसिकली इसके ना कैमरास के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं मेरे को मिली, तो वो चीज़ की भाई काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर कमी है, वो ठीक करने की बहुत ज़रूरत है। तो फोन के अंदर वैसे ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी काफ़ी सही स्टेबलाइज कर लेता है, लेकिन कुछ ज़्यादा तेज भाव हो गए तो भाई फिर हिलने लग जाती है, बाकी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन काफ़ी सही काम करती है। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, कैमरा वैमरा सब हमने बात कर लिए, अब है भाई कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क क्वालिटी। तो नेटवर्क क्वालिटी मैंने इसके अंदर अपनी सिम डाल रखी, जैसे आप देख सकते हो, तो जो कॉल क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, नेटवर्क रिसेप्शन काफ़ी सही आती है इस फोन के अंदर, एंड उसी के साथ साथ ये फोन सपोर्ट करता है Wi-Fi 6। तो Wi-Fi 6 अगर आपके पास भाई राउटर है तगड़ा बढ़िया वाला, तो भाई काफ़ी सही रहेगा। एंड उसके साथ यहाँ पे भाई मैंने एक चीज़ नोटिस करी है कि जो नेटवर्क आप Wi-Fi कनेक्टिविटी है वो भी अच्छी है इसके अंदर, काफ़ी स्टेबल रहती है अगर आप दूर तक चले जाते हो लाइक राउटर से, और अगर बीच में कोई ऑब्स्टिकल्स भी आते हैं, तो Wi-Fi कनेक्टिविटी भी अच्छी है। देन आ जाते हैं भाई स्पीकर के ऊपर, यहाँ पर डुअल स्पीकर सेटअप दिया गया है इस फोन के अंदर, काफ़ी ज़्यादा लाउड है भाई स्पीकर, नो डाउट काफ़ी सही, काफ़ी ज़्यादा लाउड है भाई स्पीकर। तो अब भाई लास्ट में आ रहे हैं हम भाई बैटरी की तरफ फोन की, तो 4500 mAh की बैटरी है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चल जाती है, 5.5-6 घंटा आपका आराम से दे देगी, पूरा लाइक पूरा दिन ये फोन बड़ा सही चलता है, अगर आप हैवी यूज़ भी कर रहे हो, गेमिंग वेमिंग कर रहे हो सही। एंड साथ ही साथ भाई इसके अंदर जो फास्ट चार्जिंग मिलती है 65 वाट्स की, वो फोन को अराउंड 34 से 35 मिनट्स के अंदर 0 to 100 चार्ज कर देती है। तो भाई सारी चीज़ों कॉम्बिनेशन जो है ना, बैटरी अच्छी होना, लाइक बैकअप अच्छा होना, और साथ साथ फोन जल्दी चार्ज होना, दोनों कॉम्बिनेशन ला के काफ़ी ज़्यादा सही चीज़ है वो। तो बाकी भाई इसके अंदर एक चीज़ की जो मेरे को कमी लगी वो था भाई हेडफोन जैक इस फोन के अंदर नहीं दिया गया है, USB Type-C का पोर्ट है नॉर्मल, और यहाँ पे स्पीकर ग्रिल है, अगर दे सकते तो काफ़ी सही रहता। तो लाइक अब यार कंक्लूजन की बात करें अगर मेरी, तो यार मिक्स ही फीलिंग है इस फोन के बारे में, हमेशा से जब से लिया ना भाई मिक्सड फीलिंग ही रही है मेरी इस फोन के लेके। तो बेसिकली प्रेफरेंस जिसके बंदे की इस हिसाब के फोन की होगी ना, वो इसको ले सकता है। जैसे कि भाई इस फोन के अंदर हमारे को 30,000 के हिसाब से कुछ चीज़ें जो कम मिल रही हैं, अब इसके अंदर 120Hz हो सकती थी क्योंकि अदर ब्रांड्स दे रही हैं, ठीक है, एक चीज़ वो है मेरे को लगी। देन थोड़े से कैमरा और इम्प्रूव हो सकते थे, जो कलर्स हैं, जो और चीज़ें हैं लाइक ऑप्टिमाइजेशन है, पोस्ट प्रोसेसिंग है, वो ज़्यादा बेटर हो सकती है, लाइक वो तो हो भी जाएगी अभी अपडेट्स के थ्रू, तो वो चीज़ है। देन एक और बात है जो इस फोन के अंदर मुझे लगी, बाकी भाई वन प्लस का यार बेस वेरियंट तो बस दिखाने के लिए लॉन्च किया जाता है कि भाई ये फोन की स्टार्टिंग प्राइस है, बट वो अवेलेबल नहीं होता, तो ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है। तो बस ये है कुछ चीज़ें जो मुझे लगी इस फोन के बारे में, क्योंकि देखो यार वन प्लस का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से मिल जाएगा, काफ़ी अच्छा फोन है ओवरऑल, मैंने जैसे बताया सब कुछ बढ़िया है इस फोन के अंदर, बट कुछ कुछ चीज़ें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो बस यार आज वीडियो देते हैं, अगर पसंद है तो डेफिनेटली लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके गाइस बाय।